वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी भी आज जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने सीपीएम के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पोलित ब्यूरो की बैठक ली तो इसके बाद पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। इस दौरान येचुरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं राजस्थान में भाजपा को हराने के लिए थर्ड फ्रंट खड़ा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस बीच कॉमरेड अमरा राम ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश में खड़े किए गए आंदोलनों की भी जानकारी दी। हमने 3 बार मीटिंगें बुलाई, भाजपा को बुलाओ तो वो कहते हैं कि हमें क्यों बुलाया, हिंसा हम नहीं कर रहे, वो तो आरएसएस कर रही है। आरएसएस को बुलाओ तो वो कहते हैं कि हमें क्यों बुलाया मुख्यमंत्री, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी को बुलाना है तो बीजेपी को बुलाइए। अब इस तरीके से वो कर रहे तो इससे स्पष्ट है कौन चाहता वहां पे शांति, कौन नहीं।